तो कल हम लेट पहुंच गए थे, रिकॉर्ड नहीं करा। कल अराउंड 10 बज गई थी वास्ते पहुंचते। अब हम निकल रहे हैं सियाचिन बेस कैंप के लिए। खालडुंगला सामने खराब वायरल दिख रहा है खालडुंगला पे। तो ये जिग्यास गेस्ट हाउस पर रुके थे, booking.com से बुक करा था, करीब 2200 का 3 बेड का रूम था। बट उसने बाद में टैक्स वाला लगा दिया, तो पता नहीं booking.com में टैक्स इंक्लूसिव होता है कि नहीं। तो 24 समथिंग का पड़ा, 2450। सामने ले पैलेस दिख रहा है। रूम तो बढ़िया ही था उनका, बस प्राइस थोड़ा ज़्यादा था। तो ये है ले पैलेस, अभी जाने का टाइम नहीं, पहले देख रखा है मैंने। कैश निकाल लिया, पार्किंग की जगह नहीं मिलती यहाँ पे, पता नहीं हर जगह हर चौराहे पे पुलिस है, कहीं पे भी पार्किंग नहीं करने देती। बड़ी मुश्किल से कैश निकाला। बहुत ही ख़राब मौसम लग रहा है कालडुंगला पे। चेन लूप चाहिए था, वो नहीं मिला, चलो बाद में देखा जाएगा, थोड़ा तो है अभी। पेट्रोल डलवा लेते हैं, 104.5 का पेट्रोल है। इनोवा में तो मिले, उसके आगे पता नहीं कहाँ मिलेगा। पेट्रोल भरवा लिया, फुल करा लिया, अभी एवरेज कैलकुलेट करा तो 38 का दिया करीब। मतलब कार के लिए आगे भरवाया था उससे यहाँ तक का 38 एवरेज तो बहुत सही है। मतलब पहाड़ों में सामने कर दूँगा ऊपर। यहाँ पे बाइक की आरसी और आधार कार्ड दिखाया, अब आगे परमिट, इधर इधर ही परमिट दिखाने। थैंक यू। अभी लेह में तो बहुत गर्मी थी, तो मैंने अच्छे से लेयर अप नहीं करा है। मतलब वाटरप्रूफ लेयर लगानी है और ग्लव्स। बर्फ़ गिर रही है वो बोल रहे हैं खालडुंगला पे, देखते हैं कितना स्लिप होता है। वहाँ पे बुद्धा का स्टैचू बन रहा है। अभी तक कोई भी उस साइड से आती हुई गाड़ी नहीं दिखी, शायद इस साइड का ट्रैफिक जा रहा है अभी। सामने रोड जा रही है, वहां से जाना है, एकदम बर्फ के अंदर रोड। स्पीडोमीटर गलत बता रहा है, पता नहीं बार बार इसका स्पीडोमीटर खिसक जाता है जीरो इसका। व्यू पॉइंट है, चलो अपन चलते हैं सीधे साउथ पुल्लू में रुकेंगे। चलो आई थिंक स्नो तो नहीं गिर रही होगी ऊपर, बहुत नीचे से ही बर्फ है, रात की वाट लगी है। अभी से इतना ठंड लग रहा है, वो थोड़ा और ऊपर जाके तो क्या ही हालत होगी। अभी ग्लव्स सारे पहनता हूँ मैं, जो जो हो सकता है। देखो नीचे तक ही बर्फ है, साउथ पुल से बर्फ चालू हो जाएगी ऐसा लग रहा है। 20-30 किलोमीटर बर्फ मिलेगी, मुझे लग रहा है ग्लव्स पहन लेना चाहिए। चलो 2 ही किलोमीटर होना चाहिए आई थिंक साउथ पुल। आई गया साउथ पुल्लू, याक
एंट्री करवानी है यहाँ पे, नंबर लिखवाना होगा बस। एंट्री हो गई यहाँ पे, बस नाम नंबर गाड़ी नंबर मोबाइल नंबर लिखना होता है। बहुत ठंड लग रही है अभी से ही, थोड़ा सा ऊपर ही स्नो आ जाएगी, कवर अप कर लेते हैं जितना हो सके, एटलीस्ट हाथ। गोप्रो भी पता नहीं कितना चलेगा इस ठंड में, बैटरी तो दिखा रहा है काफ़ी। अभी चेंज करूं कि नहीं करूं समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, बाद में करेंगे। चलो मैं जल्दी से कवर अप होता हूँ, फिर मिलता हूँ बाइक पे। चलो चले सीधा प्रार्थना में रुकेंगे। मौसम तो सही लग रहा है ऊपर, अभी से हल्का हल्का सर भारी होने लग गया है, पानी पी लिया थोड़ा। ये ऐसे ऐसे रोड जा रही है ऊपर, जिगजैग जिगजैग, और फिर वहाँ पे एक छोटा सा टावर दिख रहा है, वहाँ है कालदुंगला, उधर वो टावर है। यहाँ से मैक्स एक घंटा लगेगा कालदुंगला, एक घंटे से भी कम ही लगेगा आई थिंक। बर्फ चालू हो गई है थोड़ी थोड़ी। ये एग्जाम्पल के लिए लगा रखा है कि अच्छे से ड्राइव नहीं करेंगे तो ये हालत होगी, क्योंकि ऊपर आ गए अपन ऑलरेडी। रुक के थोड़े फोटो खिंचा लिए। ये थोड़ा सा खराब पैच आया है, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए शायद। छोटे छोटे गड्ढे हैं बाइक में लग रहे। चलो वापस बेटर रोड, ड्राइव क्लियर फुली का एक और बोर्ड है, एग्जाम्पल है। ड्राइव सोलो नहीं करोगे तो ये होगा, इतनी सारी स्नो है, बर्फ थोड़ी थोड़ी रोड पे आना चालू हो गई है। आर्मी का ट्रक जा रहा है, वो चेन लगा के जा रहे है दो तीन टायर में, धीरे चलानी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी स्कीड होने लग गई है, हाथ जम रहे हैं, बहुत ठंड लग रही है हाथ में। बस थोड़ी देर में आने वाला है कालदुंगला, रुपये बर्फ कितनी मस्त लग रही है। ट्रैफिक के जाम है यहाँ पे, रुक दिया यहाँ पे, जाम लगा शायद ऊपर। देखो जमा हुआ है वाटरफॉल जैसा,
चलिए आगे बढ़ी धीरे धीरे ट्रैफिक। चलो हल्का सा मूव हुआ था ट्रैफिक, पता नहीं आगे बढ़ रहा है कि नहीं, फिर रुक ही गया। 10-15 मिनट तो हो गए यहाँ पे खड़े हुए। बहुत तेज़ भूख लगने लग गई, अब लगानी थी, इतने टाइम लग जाएगा कर दूँगा क्रॉस करते करते। चलो मोस्टली पहुंच गए खालडुंगरा, द माइटी खालडुंगरा पास। वेलकम्स यू टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। माइटी खालडुंगरा पास, इतनी भीड़ है कौन जाए फोटो खिंचवाने, 17,900 फीट करीब।